बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर दे। दिल्ली दौरे पर सीएम मनोहर लाल रहने वाले हैं और तो वहीं आपको बता दें, नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचा सीएम मनोहर लाल। वीर शहीदों को सीएम ने श्रद्धांजलि अर्पित भी की है। पहुंच चुके हैं भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को नमन भी किया। मंत्री, सांसद, विधायक सीएम के साथ इस दौरान मौजूद रहे। तो राजधानी दिल्ली के दौरे पर सीएम मनोहर लाल, शहीदों को नमन किया, याद किया, श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके साथ मंत्री, सांसद, विधायक इस दौरान मौजूद रहे। एक बड़ी जानकारी, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल राजधानी दिल्ली के दौरे पर नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचे और साथ ही वहां पर वीर शहीदों को नमन किया गया। सीएम की तरफ से सीएम ने श्रद्धांजलि अर्पित की। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को नमन किया गया। मंत्री, सांसद, विधायक भी उनके साथ मौजूद रहे और साथ ही याद किया उन वीर शहीदों को जिन्होंने अपनी शहादत दे दी पूरे देश के लिए। और क्या कुछ कहते नजर आए सीएम मनोहर लाल, सुनवाते आपको। आज मेरे लिए बहुत ही भावुक क्षण है कि जब मैं हरियाणा की अपनी पूरी टीम के साथ, जिसमें केंद्रीय मंत्री भी है, हमारे सांसद महोदय, हमारे हरियाणा के मंत्री, हमारे विधायकगण, भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी कार्यकर्ता, आज इस अवसर पर शहीदी दिवस के दिन नेशनल वार मेमोरियल यहाँ पर आए हैं और जो यहाँ पूरी जानकारी हमको दी गई, बहुत ही वास्तव में एक प्रेरणा देने वाला एक क्षण है, क्योंकि जिस प्रकार से अपने देश की आजादी, स्वतंत्रता, इतने सैनिकों ने शहादत दे करके और ये स्वतंत्रता प्राप्त की, कुछ वर्ष पहले तक उनकी पूर्ण स्मृति नहीं होती थी, बल्कि उसमें अंग्रेजों के समय की कुछ बातें शामिल थी, लेकिन चार वर्ष पूर्व देश के प्रधानमंत्री जी ने 2019 में नेशनल वार मेमोरियल यहां जो बनाया गया है और इसके अंदर तीनों सेनाओं के, चाहे वो आर्मी है, नेवी है अथवा एयरफोर्स है, उन तीनों सेनाओं के जो शहीद सैनिक हैं, अफसर हैं, 26,500 लोगों की शहादत का वर्णन यहां दिया गया है। और एक और बहुत ही हमको प्रेरणा देने वाली बात है कि 26,500 में हमको बताया कि लगभग 2,500 से ऊपर लोग हरियाणा से संबंध रखते हैं। निश्चित रूप से 10% की जो हमारी भागीदारी डिफेंस फोर्सेज में, वो इसका प्रमाण है। आज मैं इस अवसर पर देश के उन शहीदों को, उन रणबांकुरों को शहादत देने पर बहुत बहुत श्रद्धांजलि देता हूं और मैं उनके परिवार के लोगों की भी सराहना करता हूं कि जिन माताओं ने इनको जन्म दिया, आज सब 26,500 जो ये वीर सैनिक शहीद हुए, उनके परिवारों को भी यहां बुलाया जाता है, उनको सम्मान दिया जाता है। मैं इस अवसर पर पुनः अपनी ओर से, अपनी पूरी टीम की ओर से उनको श्रद्धांजलि देता हूँ और